आज दर पे चल के आया है मौका मौका। चाचा कौन है बे? सामने का अरमान दिल में ही फूटा, ओ रब्बा कब आएगा तेरा मौका तेरा मौका। टिका भी नहीं रे घुमाने सिकंदर का, सिकंदर बोल रहा है दिखा। सारी दुनिया से जाए हम तो यारा टकरा, इतना रखते हैं हम खून बूंद में जिगरा। मौका 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 मौका, तूफानों को चीरती है इनकी नौका, जमी में डूबो देते हैं हम सबकी नौका। मौका 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 मौका, इन आफताबों का भी है मौका, सुबह सुबह ना ढल जाए मौका, चिराग है ये जल जाएंगे, फूके के तो फूट जाएंगे, शिकारी है ये खा जाएंगे, ये खुद ही शिकार। क्या था बे? का भले ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट्स में कितना भी अच्छा रिकॉर्ड हो, पर पाकिस्तान को इस बार हल्के में नहीं लिया जा सकता। हद होती है भाई हारने की, अब ये भी थक चुके हैं, इसलिए इस बार पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। अब इनके गेम में काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है, भले ही कितने भी ऊंचे शॉट पड़ जाए पर कोई भी कैच ड्रॉप नहीं होता। यार ये कैच ड्रॉप थोड़ी ना है, पागल हो गए क्या तुम लोग? अरे ये तो सरासर मारने वाला का चूतियापा है यार, कहीं भी उल्टा सीधा मार रहा है। भाई हाथ में देना चाहिए ना, ये कहाँ बीच में मारे जा रहा है, कंफ्यूज कर दिया बेचारे लॉन्डो को। और भाई मलिक तो फिर भी ठीक है, कोई इस अजमल से पूछो कि भाई जब कैच नहीं लेना था तो इतना खतरनाक वाला पोज क्यों बनाया। You suck! और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान टीम का टीनू आनंद कामरान अकमल भी कर चुका है। वाह शाबाश लौंडे, हाथ में चड्डी पहन के बॉलर का मुजरा देख रहा है। No, 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 no. और वो तो अच्छा है कि ये बंदा विकेट कीपर है, अगर बॉलर होता तो इसकी हर बॉल नो बॉल होती, पैर भले ही इसका हमेशा अंदर रहता पर बॉल फेंकने से पहले ही इसके दांत क्रीज से बाहर निकल जाते। और भाई बैट्समैन भी इस बंदे से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कई बार उनको बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा पीछे रह के विकेट कीपिंग कर ले, तेरे दांत लग रहे हैं यार बार बार। कैचिंग के साथ साथ इन्होंने अपनी फील्डिंग में भी काफी इम्प्रूवमेंट किया है, कई नए नए तरीके निकाले हैं फील्डिंग करने के। Shahid Afridi, both go down. No, one of you's got to be up for the throw. Special synchronized fielding for those special Nawabi moments on field. वैसे ये पहली बार था कि किसी ने चूम चूम अफरीदी के पीछे कोई हरकत की हो, वरना ऐसी हरकत करने में चूम चूम अफरीदी ही आगे रहता है, पीछे रहता है। अफरीदी तुमने हमें कहीं नहीं छोड़ा। अफरीदी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अफरीदी। I hate you अफरीदी। और तो और इन्होंने फिजियो भी ऐसा हायर कर रखा है जो 100% इनके इंटेलेक्चुअल लेवल को मैच कर सके। This is beating around the bush, isn't it? एक बड़ी बॉल जाकर दो छोटी बॉलों से टकराती है और यूनिस खान को बहुत ही ज्यादा दर्द का एहसास कराती है। समझदार फिजियो तुरंत बॉलों की गंभीरता को समझता है, मामले की गंभीरता को समझता है और दौड़ता हुआ आता है। He's bringing the spray out too. That's not gonna help, is it? It's gonna make it worse. The cold spray.
भाई आर यू सीरियस, कोल्ड स्प्रे भाई, अगर ऐसे डॉक्टर होने लग गए तो कसम से पूरी की पूरी टीम नपुंसक हो जाएगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस डॉक्टर के मन में ये ख्याल आया कैसे, मतलब सोचा क्या इसने कि मैं जाके स्प्रे छिड़कूंगा और लड़के का रोम रोम जज्बा का खड़ा हो जाएगा। हा? भाई थोड़ी शर्म कर ले, गलत दवा के छिड़काव से कभी कभी पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। और भाई इंडियन टीम बेवजह स्ट्रेटजी बनाने में इतना टाइम वेस्ट करती है, इनको बेवकूफ बनाने में कोई ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं, बस थोड़ी सी एक्टिंग भी कर लो तो भी काम चल जाता है। Sri Lankans was very cunning, took it. Oh yes, and could you get the dive out please, Mr. Shazad? He's gone right. पाकिस्तान टीम के डिसिप्लिन के बारे में तो सबको पता ही है, बड़े ही डिसिप्लिन बंदे हैं बेचारे, बहुत सीधे हैं, पर इनका डिसिप्लिन सिर्फ एक ही जगह जाके बिगड़ता है और एक ही चीज को लेके इनकी टीम में हमेशा लड़ाई होती है, और वो चीज है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वहां इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और भाई मैच फिक्सिंग में पकड़े जाने से ज्यादा डर अगर इनको किसी चीज से लगता है तो वो है इंग्लिश बोलने से। तो मैदान में चूतियों वाला डांस करवा लो, वो हजारों बार कर लेंगे पर इंग्लिश कतई ना बोल पाएंगे भाई।